मैं धीरज कुमार श्रीवास्तव, और जो मूवी हमारे क्षेत्र में है बन रही है आबाद रहे अंगना, उसमें मैं एक विलेन का करेक्टर निभा रहा हूँ। और इस दरमियान हमारे परम आदरणीय मिस्टर प्रदीप कुमार यादव जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है कि आज आपका उपस्थिति हमारे यहाँ इस आंगन में ही कह लिया जाए तो आज बैठे हुए हैं, ये हमारा परम सौभाग्य है सर। तो प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि आप अपने मुख शब्दों द्वारा दो शब्द कुछ बोलते हैं बताएं सर, हमारे भोजपुरी फिल्म के लिए क्या इसका आगे भविष्य है, क्या वो है? आवाज है कंगना फिल्म का जो है एक समाज में एक अच्छा, भोजपुरी फिल्म का जो है समाज में अच्छा जो है संदेश जा रहा है, इसका समाज के लोगों पे बहुत अच्छा असर जाएगा, जिससे एक एक संदेश जाए जो है कि एक भोजपुरी फिल्म जो है प्रोड्यूसर मधु अवस्थी द्वारा जो है एक संदेश दे रहे हैं, और समाज के लोगों का भोजपुरी फिल्म का बहुत इससे उद्धार होगा, भोजपुरी लोगों का जो है इससे उद्धार होगा। और इसके बारे में हम इसके लिए आप लोगों को जो है फिल्म कलाकारों को, भोजपुरी फिल्म कलाकारों को बहुत बहुत धन्यवाद और वो जो है आशीर्वाद प्रदान करते हैं। वो हम हर तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट करेंगे। समाज के प्रति जो है इसमें अच्छा जो है घनश्याम प्रसन्न है, भोजपुरी जनता को, भोजपुरी फिल्म वालों को, भोजपुरी फिल्म कलाकारों को हम बहुत बहुत जो है धन्यवाद देते हैं। उसी के साथ ये भोजपुरी इंडस्ट्री जो है आगे बहुत आगे जाए, और इसमें सरकार का भी सहयोग मिले, लोगों का सहयोग मिले। हम तो रघुवीर इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य हैं, और हम प्रधानाचार्य के नाते जो है समाज को तो अच्छा संदेश देते हैं, और उसके नाते मैं भोजपुरी फिल्म के आप लोगों को सारे किरदारों माध्यम से समाज को जो है अच्छा संदेश देना चाहते हैं। प्रबंधक तो हमारे बड़े पिताजी हैं, अक्षय जी का बहुत अच्छा विचार है जो भोजपुरी फिल्म जो है बना रहे हैं, और इनको उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। इनको हम भोजपुरी जनता की तरफ से, भोजपुरी किरदारों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद प्रदान करते हैं। आप लोगों को जो है अक्षय जी को के साथ ही जो है फिल्म करेंगे, और जितना भी सहयोग होगा मदद होगा मैं करूँगा। और सर से जो मेरी बात हुई थी अभी हाल ताज में, अभी जस्ट रिसेंटली एक दिन पहले सर की हमारी बात चल रही थी, ये सेट पे आए हुए थे एक दिन पहले। बहुत मेरा सौभाग्य है कि आपका आप वहाँ पधारे, किसी कार्य से ये जा रहे थे तो इनको पता चला कि भोजपुरी की शूटिंग हमारे क्षेत्र में हो रही है। ये खुद उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मुझे बोला कि शूटिंग कहाँ पे चल रही है, तो इन्होंने बताया, मैंने बताया इन्हें कि सर यहाँ पे चल रही है, तो इन्होंने इतना बिजी शेड्यूल होने के नाते भी इन्होंने पूरा समय हमको दिया वहाँ पे। एक दिन पहले की सर बात है, और ये पूरा करीब दो घंटे वहाँ पे बैठे रहे। इनके एक कवि हैं, मित्र हैं, वो भी साथ में गए हुए थे, नितेश तिवारी जी, वो भी साथ में बैठे हुए थे। और मेरी जो इनसे बात हुई, इन्होंने कहा कि मैं इस भोजपुरी चैनल को, भोजपुरी मूवी सिनेमा को मैं बहुत ऊपर, अपनी सरकार जब आएगी, हम लोगों की जो ऊपर गवर्नमेंट है उनसे भी मैं ऊपर बात करूंगा और उसको एक अच्छे पैमाने पर मैं ले जाऊंगा। बिल्कुल, हम लोग इसके लिए आएंगे, और जौनपुर जो है ये भोजपुरी फिल्म का एक हब बन सकता है।